बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो मैं फ्यूचर टेक कोचिंग पे आया था, तो यहाँ पर देखिए सारे फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर, और जो वहाँ पर देखिए हमारे सर जी बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं चल के। ये देखिए हमारे सर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इन्हीं की संस्था यहाँ पर चलती है फ्यूचर टेक 11। और ये देखिए, ये हमारे सर जी रीडिंग कराते हैं बच्चों को, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पे ये बात करेंगे हम कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में कुछ काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर एनजीओ के छात्र भी बैठे। हेलो फ्रेंड्स, अमन जी ने हमें आमंत्रित किया है। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर में कुछ जानते हैं सर। आज 2 अक्टूबर है गांधी जी का जन्मदिन, तो गांधी जी के बारे में मैं कुछ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 1879 को गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान पर हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और इनके 3 बेटे थे, ये सबसे छोटे थे, 3रे नंबर पर। और इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था और इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया और इन्होंने टांडी यात्रा भी की। हाँ, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, करम पांडे अभी गांधी जी के बारे में बताया कि वो किस सन में पैदा हुए थे और उनकी माता जी कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था। और चलिए अब दूसरे स्टूडेंट्स क्या नाम था, आदेश से पूछते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं और क्या कहते हैं। चलिए मिलते हैं आदेश से। बढ़ते कदम कौन रुकने दिया, कट गए सर हमारे, कुछ नहीं सर हिमाल कहने। बहुत अच्छी भाई, इन्होंने कविता सुनाई है देशभक्त पर। और अब हम एक शेयर करना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कली को गुलाब बना देते, गुलाब को कमल बना देते, कली को गुलाब बना देते, गुलाब को कमल बना देते, सर आप अब मरते नहीं हो वरना गोला भी ताजमहल बनवा। इन्होंने शायरी कितनी अच्छी कही है। तो चलिए अब दूसरे स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब चलिए अवधेश भाई आप आइए। चलिए अवधेश भाई आ नहीं रहे, तब तक चलो देखते हैं आदेश जी क्या बता रहे हैं। बताइए आदेश। न तन चाहिए न मन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, जिंदा रहूं इस वतन के लिए मुझे उसे तिरंगा करना चाहिए। वाह वाह, क्या अच्छी सी शायरी है। और कुछ बताना चाहेंगे? कल छीने शिकारी के हाथों से शमशीर छीने, जब तक हम हिंदुस्तानी के रगों में है लोग, इसकी मिसाल है तो हमारा कश्मीर छीने। सरफरोशी की तवन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आगे काफी में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आदेश ने बहुत अच्छा सा गीत भी सुना है और इन्होंने एक से एक से देशभक्ति की शायरी भी दी हैं। तो चलिए अब हम फ्यूचर टेक में जो सर हमारे हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि 2 अक्टूबर के बारे में वो क्या बताते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवाते हैं फ्रेंड्स अपने सर से। तो सर जी बताइए आप कि आज 2 अक्टूबर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर, 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर
शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ है और इसके दिन आज जो है 150वीं जयंती है और इसके दिन आज के दिन जो है हमें महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए पथों पे चलना होगा और इसके चलने से हमारा जीवन धन्य होगा और जो हमारा लोकतंत्र है और मजबूत होगा। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज तक यहीं तक इतना ही ब्लॉग था, इंटरेस्टिंग होने वाला था आज, तो आज यही बात हुई है। तो अब हम आप लोगों से गुजारिश चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं पीछे जो हमारे ये बैनर लगा हुआ है, ये ओ लेवल का लगा हुआ है, इसमें यहाँ ओ लेवल भी कराया जाता है और ये इसका दूसरा भी नाम है भव भव इनका कल्याण भव संस्थान, ये भी यहाँ से चलता हुआ। और काफ़ी यहाँ भी कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने डेस्कटॉप वगैरह रखे हुए हैं, ये देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे यहाँ आते हैं सीखने के लिए। और जिन और एक बात और है, यहाँ जिन बच्चों को बीए, बीकॉम, बीएससी, इंटर, हाई स्कूल जो भी कुछ करना हो वो भी सर हमारे यहाँ से करवाते हैं और अच्छे, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, कम फीस में हो जाता है। जिन लोगों को यहाँ करना हो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और आप यहाँ से आ जाइए। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो सर जी हैं जो रीडिंग कराते हैं बच्चों को वो आ चुके हैं और आप अपने मुखारविंद से कुछ बताइए 2 अक्टूबर के बारे में। आज हम 2 अक्टूबर मना रहे हैं अपने कोचिंग पे। इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं गांधी जयंती हम लोग मना रहे हैं और हम लोग इसी इन्हीं के जयंती मनाने के हम लोग प्रोग्राम को रखा है और इनके जो त्यागमयी जीवन पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। इन्होंने बहुत ही त्याग दिया है जो अपने देश के लिए और ये अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से इन्होंने अपना जीवन को बहुत ही कठिन तरीके से जिया है और इन्होंने किसी भी तरीके से जो अपना जो इनका सबसे पहला उद्देश्य यही रहा कि देश आगे हो, ना कि इन्होंने कभी अपने परिवार बारे में सोचा, ना ही अपने रिश्तेदारों में सोचा। इन्होंने सदैव देश के बारे में ही पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनका जीवन जो है बहुत ही अनुकरणीय है लोगों के लिए और हम चाहेंगे कि इनके साहित्यों को लोग पढ़ें और उनके मार्ग चलें जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े और जीवन को अनुगमनीय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।